नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि हम इतने सारे आयरन के सिरप देखते हैं मार्केट में, लेकिन हमारे बच्चे के लिए कौन सा आयरन का सिरप बेस्ट है और हम कैसे चूज़ करें कि हमारे बच्चे के लिए ऐसा कौन सा आयरन का सिरप है जिसमें आयरन बेटर एब्जॉर्बेबल हो, सबसे अच्छा एब्जॉर्ब हो और उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि लूज मोशंस या कॉन्स्टिपेशन भी नहीं हो। आयरन को हमें कैसे देना है, आयरन की कमी के क्या सिम्टम्स होते हैं और आयरन कितना देना है हमें, इन सब टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे और इस बात पर भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट में जो सिरप्स आते हैं उनमें कौन कौन से आयरन के कौन कौन से वेरिएंट्स होते हैं, कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं। सबसे पहली बात कि हमें आयरन कैसे देना है, हमें हमेशा आयरन या तो खाने के एक घंटा पहले और या तो खाने के दो घंटे बाद देना है। ये एक बहुत ही ज़रूरी टिप है जिसे आप सभी याद रखिए। अगर आपका बच्चा प्री मेच्योर है या लो बर्थ वेट हुआ है तो उसकी बोन मैरो इतने अच्छे से फंक्शन नहीं करती, इसलिए उसमें आयरन की कमी होना बहुत कॉमन है। इसीलिए उसे आयरन सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अगर बच्चा गाय का दूध पीता है, 750-800 ml से ज़्यादा दूध पीता है एक दिन में, तो भी उसमें आयरन की कमी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि गाय के दूध में एब्जॉर्बेबल आयरन की मात्रा बहुत ही कम होती है। माँ का दूध 6 महीने तक बहुत अच्छा आयरन देता है बच्चे को, लेकिन 6 महीने के बाद अगर बच्चा ऊपर का खाना पीना ठीक से चालू नहीं करता है तो भी उसमें आयरन की कमी हो सकती है। बच्चे अगर ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें आयरन की मात्रा बहुत कम है और ऐसी चीज़ें जैसे कि गुड़ है और टमाटर है, अनार है, अंजीर है, ये सब नहीं खा रहे हैं तो भी बच्चे में आयरन की कमी हो सकती है। आयरन के सिम्टम्स, सबसे पहला सिम्टम होता है कि बच्चा मिट्टी खाना, चूना खाना, दीवारें खुरच खुरच कर खाना, ये सब चालू कर देते हैं। अगर बच्चा, कई बच्चे कागज़ खाते हैं, लकड़ी खाते हैं, अगर वो ये सब खा रहे हैं तो ये बहुत ही कॉमन है कि उसमें आयरन और कैल्शियम की कमी होगी। बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, खाने की चीज़ नहीं खाएंगे, दूसरी चीज़ें खाएंगे और उनका वज़न नहीं बढ़ेगा, उनका हाइट नहीं बढ़ेगा, उनके ब्रेन के डेवलपमेंट पर भी आयरन की कमी के बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए आयरन की कमी ग्रोइंग एज में बच्चों को नहीं होने देना है, उन्हें आयरन सप्लीमेंट करना है। बच्चों में बहुत ज़्यादा आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, अराउंड 10-15 mg आयरन चाहिए होता है बढ़ते हुए बच्चों को, राइट फ्रॉम 6 months ऑफ एज। इतना आयरन हम खाने के थ्रू नहीं दे सकते, इसलिए हमें हमेशा थोड़ा थोड़ा बच्चे को आयरन सप्लीमेंट कर देना चाहिए। आयरन रिच फूड्स भी दीजिए जैसे कि अनार है, अंजीर है, राजीरा है और गुड़ है, ये सब भी दीजिए, लेकिन साथ में थोड़ा थोड़ा आयरन जो है वो दवाइयों के रूप में भी सप्लीमेंट करते जाइए ताकि अगर बच्चा जब बीमार होता है तो उसकी बॉडी में आयरन के जो स्टोर्स हैं वो मेंटेन रहें, और जब आयरन के स्टोर्स मेंटेन रहेंगे तो बच्चे को खून की कमी नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि कौन सा आयरन का सिरप बेस्ट है, ये है टोनोफिरॉन सिरप। इसकी ड्रॉप भी अवेलेबल है मार्केट में जिसमें 1 ml में 10 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन होता है। जी हाँ, हमें हमेशा एलिमेंटल आयरन देखना है कि किसी भी सिरप या ड्रॉप में कितना मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन है, दैट इज़ ओनली गोइंग टू एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स। उसमें फोलिक एसिड और विटामिन B12 भी होना चाहिए क्योंकि ये भी आयरन को, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर फोलिक एसिड और विटामिन B12 बोन मैरो को नहीं मिला तो वो हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएगा। हिपेटोग्लोबिन एक बहुत ही अच्छा सोर्स है क्योंकि इसमें पेप्टोनाइज्ड आयरन होता है जिसकी बायबिलिटी बहुत अच्छी होती है और इससे लूज मोशंस और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बहुत कम होती है। इसमें विटामिन B12 और फॉलिक एसिड भी है जो हमारी बाकी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरी करेगा। तो मेरी नज़र में पेप्टोनाइज्ड आयरन एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है बच्चों को आयरन देने के लिए और ये बहुत ही ईजिली एक्सेप्टेबल भी होता है बच्चों को, इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। फेरीनेक्स्ट में फेरस एस्कॉर्बेट है। विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ये आपने सुना ही होगा, और विटामिन सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो अगर फेरस एस्कॉर्बेट है यानी कि विटामिन सी उसके साथ में ही है और फोलिक एसिड, जिंक और विटामिन B12 भी है तो ये एक कंप्लीट आयरन सिरप है। एस्कॉर्बिक एसिड से भी, फेरस एस्कॉर्बेट से भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम होते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बेबल सोर्स होता है आयरन का, इसलिए हम इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। रूबी रेड एक बहुत ही कॉमन सी आयरन की सिरप है मैक्लियॉर्ड्स कंपनी की, जिसमें फेरस एस्कॉर्बेट, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 होता है। ये वही सेम कंटेंट्स हैं और ये भी एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है बच्चों को आयरन देने का। आयरन की सिरप में विटामिन सी, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 अलॉन्ग विद आयरन होना ही चाहिए, ये आपको हमेशा चेक करना है। फेरस फ्यूमरेट
फ्यूमरेट जो है ये एस्कॉर्बिक एसिड से थोड़ा सा इन्फीरियर है, बट स्टिल इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, तो यू कैन ट्राई इट ऑल्सो। पिटकोफॉल एक बहुत ही अच्छी सिरप है जो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं बच्चों में आयरन की कमी को दूर करने के लिए। फेरोनिया XT में प्लेन आयरन है, इसमें विटामिन B12 नहीं है और इसमें फोलिक एसिड भी नहीं है, हालांकि फेरस एस्कॉर्बेट है यानी कि विटामिन सी है इसमें, जो अच्छा एब्जॉर्बेबल सोर्स ऑफ आयरन है। तो अगर फोलिक एसिड और विटामिन B12 आप अलग से दे रहे हैं, कोई बी कॉम्प्लेक्स की सिरप दे रहे हैं, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। डेक्सो रेंज में फेरिक सॉल्ट है, फेरिक सॉल्ट बहुत ही कम एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में और फेरस दे आर ऑलवेज बेटर देन फेरिक, तो डेक्सो रेंज से इतना जल्दी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा बच्चों में जितना बड़ों में बढ़ता है। तो डेक्सो रेंज इज़ गुड फॉर एडल्ट्स नॉट फॉर चिल्ड्रन। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।